सिंगरौली में पुलिस ने 24 घंटे में अवैध शराब बिक्री व तस्करों के विरुद्ध 8 प्रकरण दर्ज किए हैं। इसके साथ ही कई लीटर अवैध शराब और महुआ भी जब्त किया गया है। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के आदेश पर लंघा डोल पुलिस ने अवैध शराब बिक्री व तस्करों के विरुद्ध 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 164 लीटर अवैध शराब और 200 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया है। थाना प्रभारी उदय सिंह करिहार ने बताया कि इन 8 प्रकरणों में सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जो भी अवैध शराब कारोबार या तस्करी में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे यहाँ PSP द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, अवैध शराब जो तस्कर हैं, जो अवैध शराब बनाते हैं उनके खिलाफ जी, जिसमें 24 घंटे के अंदर लंघा डोल पुलिस के द्वारा कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 165 लीटर शराब जब्त किए हैं जी, तथा करीब 200 किलो महुआ लाहन जो है उसको भी नष्ट किए हैं जी, और कार्रवाई भी लगातार जारी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।